दोस्तों आपका ई टेक्निकल जिज्ञासा में स्वागत है दोस्तों हम अपने लाइफ में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता होता और ये फीचर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनका बहुत यूज होता है लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते हैं तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम स्टेप्स रिकॉर्डर जिसको हम पी कहते हैं जैसा कि इसके नाम में ही है स्टेप रिकॉर्डर अब सपोज आपके कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता रहता है और ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये स्क्रीन के रूप में कंप्यूटर के अंदर सेव होती रहती है और सपोज़ आपके कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप अपने टेक्नीशियन को बताना चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ये पी के थ्रू वो रिकॉर्डेड फाइल आप उसको सेंड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जिससे कि आपके टेक्नीशियन को कंफर्म हो जाएगा कि आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वो उस फाइल से देखकर आपको कंफर्म कर देगा कि आपके लैपटॉप पे ये प्रॉब्लम है तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों आपको पी यूज करने के लिए आपको अपने विंडो के स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा विंडो के स्टार्ट बटन में जाके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं पी लिख कर मैं आपको बताता हूं और इसके लिए जो शॉर्ट की है वो विंडो आर है विंडो और आर को दबाएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलकर आ जाएगी इस पर आपको टाइप करना है पी एस आर इसको आप ओके कर दीजिए ये आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने स्क्रीन खुल के आ गई है प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर इसके थ्रू आप अपने जो भी रिकॉर्डिंग है वो आप कर सकते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करिए मैं आपको दिखाता हूं ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करिए जैसे आप ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे इसके बाद जो भी आप कंप्यूटर के अंदर आप माउस के थ्रू कर रहे हैं काम वो आपका सारा स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता रहेगा मैं आपको अब दिखाता हूं जैसे सपोज हमने ये फोल्डर खोला इसके अंदर हम सी ड्राइव में गए और इसके अंदर हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसको भी हम माउस से क्लिक कर रहे हैं वो सब चीज़ें हमारे इसके अंदर रिकॉर्ड होती जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप अब जैसे हमने इस एचपी प्रिंटर के फोल्डर को खोला ये सब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है कंप्यूटर के अंदर अब मैं आपको इसकी जब आपको इसको रिकॉर्ड को खत्म करना है आप इसको स्टॉप रिकॉर्ड कर दीजिए और जैसे ही आप ये स्टॉप रिकॉर्ड करेंगे आपके सामने ये कंप्यूटर में खोल के आएगा इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए इस फाइल का नाम हम दे देते हैं पी ये जिप फाइल के अंदर सेव होगी हमारी जो कंप्यूटर के अंदर हमारी जिप फाइल के नाम से यह सेव होगी और इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं अब हम देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे हमारी यह फाइल सेव हुई है ये देखिए यह फोल्डर हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर यह बन के आ गया फोल्डर अब इस फोल्डर को आप अनजिप कर लीजिए ये जैसे आपने अंजीब किया ये अंजीब का फोल्डर बनके आपके पास डेस्कटॉप पे आ जाएगा अब आप इसको आप ओपन करिए ये आपके सामने फाइल आ गई प्रॉब्लम के नाम से फाइल जनरेट हो गई है इसके अंदर ये देखिए इस फाइल को आप ओपन करिए ये देखिए दोस्तों ये जो फाइल आपके पास बन के आई है रिकॉर्ड डेट प्रॉब्लम स्टेप्स इस फाइल में आपके जो जो आपने काम किया था डेस्कटॉप के अंदर वो सब आपका सेव होकर आ गया ये देखिए स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज प्रॉब्लम स्टेप टू प्रॉब्लम स्टेप वन ये सब आपका डेट वाइज रिकॉर्ड होकर इसके अंदर आ गया ये आप चेक कर सकते हैं जो भी इस पर आपने काम किया स्क्रीन उसके कंप्यूटर ने ले ली हैं ये देखिए है। जितने भी आपने उस समय काम किया वो सब इस पर रिकॉर्ड हो चुके हैं और नीचे उसकी पूरी समरी डिटेल पूरी समरी देखिए आपके पास आ चुकी है ये और इसके अंदर आपकी फाइल की कंप्लीट डिटेल इसमें आपको मिल जाएगी तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप ये पी एस आर फाइल अपने कंप्यूटर में जनरेट कर सकते हैं ये बहुत ही सिंपल तरीका है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और इसका एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसके अंदर ये पूरा जो ब्लॉक है मैं आपको दे दूंगा जिसमें पूरे ब्लॉक के अंदर ये डिटेल दी हुई है पी की तो दोस्तों आप इसको यूज करिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है और अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच